All schools and colleges are closed according to government orders. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. Today, I want to teach you the first chapter of physics. The teaching points are as follows. First point, introduction of chapter. Second point, knowledge of chapter. And third point, problems of chapter. पहला जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर होगा, जिसके तहत हम आप लोगों को चैप्टर के बारे में बताएंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो नॉलेज ऑफ चैप्टर होगा, उसके तहत हमें आप लोग बताएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है। और तीसरा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम ये बताएंगे कि इन टॉपिकों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीचिंग पॉइंट वी विल नो द क्लियर कंसेप्ट अबाउट सेइंग अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर। इन अदर वर्ड्स we will know about the definition of light, definition of reflection of light and definition of refraction of light. पहले टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे, उनकी मतलब उनकी डिफिनीसन बताई जाएगी। और लाइट की डिफिनीशन इस प्रकार है, द डेफिनेशन ऑफ लाइट एज लाइक दिस। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच हैज नो वेट एंड नो ऑक्यूपाइड स्पेस। लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट आई विल टीच यू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एज फॉलोइंग। The bouncing back of light in same medium after striking from a reflecting surface is called reflection of light. Only one medium is necessary for reflection of light, and reflecting surface is also needed for this process. After that, I will tell you the definition of reflection of light. The definition of reflection of light is as following. When light enters in other medium from any medium, then it changes its path. The changing process of the path of light due to second medium is known as reflection of light. मतलब यह है कि जब light की ray एक medium से दूसरे medium में जाती है तो अपने रास्ते को बदल देती है, और light का अपने रास्ते को बदलना ही refraction of light कहलाता है। और ऐसा तब होता है कि जब दो different types के medium हों, for example air medium and ग्लास मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ग्लास मीडियम एंड वाटर मीडियम एंड सो ऑन, मीन्स टू मीडियम्स आर नेसेसरी फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड टीचिंग पॉइंट्स वी विल नो द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर। द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर आर एज फॉलो। सेकेंड टीचिंग पॉइंट के तहत हम लोग ये जानेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहले उनका नाम जानेंगे,
उसके बाद उनकी चर्चा की जाए। द इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑफ द चैप्टर, द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। फोर्थ, मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ मिरर। एंड फिफ्थ, मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो द क्लियर कंसेप्ट अबाउट दीज टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। सबसे पहले ये जो चार ये टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके बारे में हम लोग क्लियर कंसेप्ट जानेंगे, और क्लियर कंसेप्ट जानने के बाद इन इन टॉपिकों से संबंधित जो समस्याएं होंगी उसे जाना जाएगा। तो इसी सेंस में हम पहले टॉपिक का जो है मतलब बताते हैं। पहले टॉपिक का मतलब है देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब यह है कि जब रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होती हैं। और पहला दूसरा नियम है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों सेम वैल्यू के होते हैं। यही रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से देर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के भी दो नियम हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आइन इन द सेम प्लेन। सेकेंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों जो होते हैं सेम प्लेन में होते हैं। लेकिन दूसरा नियम यह है कि रिफ्लेक्शन एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल के साइन का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है किन्हीं दो मीडियम के लिए, और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट सेकेंड मीडियम ड्यू टू फर्स्ट मीडियम कहते हैं। दैट इज ऑल फॉर टूडे। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टीच ऑन सेकेंड टर्म। You should write the written matters in red color with the help of your smartphone in your notebook for improvement of your spelling. After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be on line method with the help of your school app. You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose. My dear students, stay at home, be safe from coronavirus and study with care. Thank you.